औद्योगिक नगरी सारणी के कोयलांचल क्षेत्र WCL पदाखेड़ा की कोयला खदान तवा बंद बीते रविवार को रात्रि समय चोरों ने हमला कर दिया। खदान में मौजूद सुरक्षा कर्मी के चोरों के बीच में मुठभेड़ में WCL के चार सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस को तत्काल दी गई। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए खदान के चारों ओर से घेराबंदी कर दी और शीघ्र ही इसकी सूचना जिले में बैठे उच्च अधिकारी को दी। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक शिमला प्रसाद ने एडिशनल SP नीरज सोनी को तत्काल सारणी रवाना किया। सारणी पहुंचते ही SDOP महेंद्र सिंह चौहान से चर्चा की गई। दोनों के निर्देशन में सारणी, रानीपुर, घोड़ा डोंगरी, चौपना, शाहपुर थानों के पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल एकत्रित कर WCL के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर तीनों टीम बनाई गई और सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। वही खदान की चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई, जिससे खदान में छिपे चोर बाहर ही नहीं निकल सके। लेकिन इसके बावजूद भी रात्रि समय होने के कारण पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर भी दोनों ही अधिकारी रात भर खदान में डटे रहे और काफी मंथन के बाद जब यह पता चला कि कुछ चोर खदान के अंदर ही छिपे हुए हैं, तब पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को खदान के अंदर उतारा गया और सोमवार सुबह लगभग 9 बजे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। WCL के सुरक्षा अधिकारी जीवन चौहान ने बताया कि रविवार देर शाम 7 से 8 हथियार बंद बदमाश तवाव बंद खदान में घुस गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 4 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इसमें संतोष यादव नाम के सुरक्षा कर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी आगे जो उनके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है और गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया किया गया है और बाकी की तलाश जारी है। अच्छा सर, खदान प्रबंधन और कोल कर्मियों द्वारा बताया जा रहा था कि बदमाशों की संख्या 25 से 30 थी, इसमें क्या कहना? अभी और वेरीफाई कर रहे हैं एग्जैक्ट कितने लोग थे, कुछ लोग हमने राउंड अप भी कर लिया है। अच्छा, विवेचना जारी है उसमें। पुलिस ने रात को 8:30 बजे से मोर्चा संभाला और सुबह 9 बजे सफलता प्राप्त कर ली है, इसमें कहाँ कहाँ की पुलिस रही और क्या भूमिका रही पुलिस की? इसमें रानीपुर, चोपना, शाहपुर, सारणी, पाथाखेड़ा की संयुक्त पुलिस थी और चारों तरफ से हमने घेराबंदी करके लोगों को पकड़ा है।